कि जो बॉल की ग्रिप है वो कुछ इस डायरेक्शन में है स्ट्रेट, लेकिन जो शाहीन अफरीदी की फिंगर्स हैं वो लेफ्ट साइड पर ज्यादा है, यानी बॉल को टिल्ट करके पकड़ा हुआ है। जैसे बॉल वहां से छोटी है, जो ग्रिप स्ट्रेट डायरेक्शन में थी उसकी डायरेक्शन अब राइट हो गई है और बॉल मूव किस तरफ कर रही है, लेफ्ट साइड पर। इस तरफ को शाहीन ने बॉल को थ्रो किया है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि शाहीन अफरीदी की बॉल स्विंग कैसे होती है। अगर आप डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को फिजिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि शाहीन अफरीदी की बॉल स्विंग कैसे होती है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो बॉल जो T20 फाइनल में शाहीन अफरीदी ने इंग्लैंड को की थी। तो सबसे पहले इस बॉल को एक दफा देखते हैं। अब देखिए इस तरह कुछ बॉल पर आउट हुए हैं, वो बहुत ज्यादा इन स्विंग हुई है बॉल। हमें ये देखना है कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ये बॉल इन स्विंग इतनी ज्यादा कैसे हुई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शाहीन जो है बॉल को ग्रिप किस तरह करते हैं। तो अब देखिए शाहीन जो है बॉल को स्ट्रेट ग्रिप नहीं करते। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि जो बॉल की ग्रिप है वो कुछ इस डायरेक्शन में है स्ट्रेट, लेकिन जो शाहीन अफरीदी की फिंगर्स हैं वो लेफ्ट साइड पर ज्यादा है, यानी बॉल को टिल्ट करके पकड़ा हुआ है उन्होंने। तो इसका फायदा क्या होगा, जब आपकी बॉल स्ट्रेट होगी तब आपकी फिंगर्स टिल्ट होंगी, या लेफ्ट साइड पर फिंगर्स हैं लेकिन बॉल की जो ग्रिप की डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम देखते हैं जब शाहीन जो है बॉल को छोड़ेंगे, छोड़ने से एक लम्हा पहले जो है यहाँ पर शाहीन की फिंगर्स है लेफ्ट साइड पर टिल्ट है, लेकिन जो बॉल की ग्रिप है वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में है कुछ इस तरह। और जब शाहीन इसको छोड़ेंगे अपने हाथ से तो अपनी जो फोर फिंगर है इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से जो बॉल की ग्रिप की डायरेक्शन है वो टोटली चेंज हो जाएगी। मैं आपको जैसे ही बॉल हाथ से छोड़ती है उसकी डायरेक्शन दिखाता हूँ। ये देखें जैसे बॉल हाथ से छोड़ी है, जो ग्रिप स्ट्रेट डायरेक्शन में थी उसकी डायरेक्शन अब राइट हो गई है, जो ग्रिप की डायरेक्शन है वो राइट है इस तरफ को, और बॉल मूव किस तरफ कर रही है, लेफ्ट साइड पर। इस तरफ को शाहीन ने बॉल को थ्रो किया है और फोर फिंगर को प्रेस करने की वजह से बॉल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट भी कर रही है। ये जैसे जैसे आगे बॉल मूव करेगी आप इसकी रोटेशन को यहाँ पर जो प्रिंट है उसे नोट कर सकते हैं। ये देखें हम आगे जा रहे हैं तो ये आपको जो ग्रिप है वहां से अंदाजा हो रहा है कि बॉल जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और बॉल लेफ्ट साइड पर मूव कर रही है, लेकिन जो ग्रिप की डायरेक्शन है वो राइट है। अब ये बॉल नेक्स्ट हमें देखना है जब बॉल जो है वो जमीन के साथ जाकर टकराएगी तब क्या हो, तब इसमें सारी चेंजिंग आती है, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है टोटली। तो यहां पर देखें बॉल जो है यहां पर जाकर जमीन के साथ टकरा रही है। तो अब देखिए यहां पर बॉल जब टकराएगी जमीन के साथ तो इसमें होगा क्या, फर्स्ट थिंग इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है और बैट्समैन ये सोचेगा कि बॉल यहां पर लेफ्ट साइड पर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली एक तो जो बॉल की बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन है, जब ये टिप लगेगा जमीन पर तो ये इसकी मोशन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो मोशन है वो इस तरफ है लेफ्ट साइड पर, लेकिन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, वो इसकी डायरेक्शन को लिटिल बिट राइट साइड पर टर्न कर देगी। अब उसके अलावा वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो ग्रिप है वो जमीन के साथ जाके लग रही है, आपने ये भी नोट करना है। और जो ग्रिप है जो जमीन से टकराती है तो वो भी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है, तो आपकी जो ग्रिप है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जमीन के साथ टकरानी चाहिए, तब आपकी बॉल में ज्यादा स्विंग होता है। तो इसके बाद होगा क्या, जो बॉल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है वो राइट साइड पर कन्वर्ट होगी, जिस तरफ ग्रिप की डायरेक्शन थी वो ग्रिप की डायरेक्शन में बॉल है वो टर्न हो गई है। तो अब जब ये बॉल आगे जाएगी अब देखते हैं कि बैट्समैन को क्या यहाँ पर मसला आएगा। बैट्समैन ये सोच रहा है कि बॉल जो है वो यहाँ पर आनी है उसके फ्रंट पर, यहाँ पर जहां पर उसका बैट आ रहा था पहले, लेकिन बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई टिप लगने के बाद। अब बैट्समैन को भी ये नजर आ रहा है, अब बैट्समैन जो है अपना बैट जो है वो यहां पर लेके आने की कोशिश करेगा बॉल तक, लेकिन क्योंकि बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, शाहीन बॉल जो है 145 तक बॉल करते हैं, बॉल की स्पीड नॉर्मल इनकी 142, 143, 145 तक जाती है। तो इतनी ज्यादा स्पीड जब बॉल की होती है तो बैट जो है अपनी स्पीड से बॉल तक नहीं पहुंच पाता, बैट के यहां पहुंचने से पहले ही बॉल यहां से गुजर जाएगी और बॉल यहां से गुजरने के बाद विकेट से टकरा जाएगी और बैट्समैन आउट हो जाएगा। इस तरह शाहीन जो है अपनी बॉल को ट्रेन करते हैं। यह है फिजिक्स बिहाइंड शाहीन स्विंग। लेकिन नसीम शाह इस तरह स्विंग नहीं करते। नसीम शाह की जो स्विंग है उसमें एयर प्रेशर यूज होता है। तो एयर प्रेशर किस तरह बॉल को स्विंग करता है, जो कि ज्यादा कामयाब है, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से आप बॉल को डुअल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं,
स्विंग कर सकते हैं। रूल डायरेक्शन में किस तरह बॉल जो है टिप लगने से पहले अगर इन स्विंग हो रही है तो टिप लगने के बाद आउट स्विंग हो जाएगी, ऐसा भी हो जाता है। जैसे आसिफ किया करते थे, नसीम शाह वही टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन नसीम शाह क्योंकि न्यू है तो उनकी हर बॉल इस तरह नहीं होती। इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने 11th ओवर किया था उसमें ऑलमोस्ट उनकी 3-4 डिलीवरीज जो है वो डबल स्विंग हुई थी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को फिजिक्स अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी सिचुएशन की फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।